और छतरपुर जिला अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने को लेकर सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के जरिए जिला अस्पताल में लगभग 55 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें मार्च के महीने से सैलरी नहीं दी गई है। वेतन नहीं दिए जाने से आउटसोर्स के कर्मचारी आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कर्मचारियों को सैलरी पाने के लिए विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। काफी लंबे समय से जो जिला अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारी लगे हुए हैं, न्यू बुंदेलखंड सर्विस सिक्योरिटी जो कंपनी है उसके माध्यम से 55 लड़के लगभग लगे हुए हैं आउटसोर्स कर्मचारी, जिन्हें मार्च 2022 से आज दिनांक तक 6 मार्च से लगभग भुगतान नहीं किया जा रहा है। और इनके द्वारा लगातार आवेदन सीएमएचओ साहब और यहाँ तक की जिला कलेक्टर साहब को दिए गए समय समय पर। हमारे जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कुछ कर्मचारी जो अलग अलग शाखाओं में कार्य थे, उनको शासन द्वारा बजट आवंटित न होने की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि हमारा वेतन जो मानदेय है उसका भुगतान किया जाए, नहीं तो हम लोग 9 दिन हड़ताल पर जाएंगे।